दरबार में शेरा बोली के सारे कबाड़ी दरबार में शेरों बाली के दुख दर्द मिटाए एक गीत और गाने जिन जुलूम फंसे निकली बोल गंगा मैया की जय हो। जिन जुलूम फंसे निकली गंगा धारा के जिन जुलूम फंसे निकली गंगा धारा शंभू फूबर बना कर रहा है और कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हो रही है नहीं साहब जे हिजड़ी हिजड़ा ना है जिन जुलो फंसे निकली गंगा धारा उस धारे का आलम के जिस जुलो फंसे निकली गंगा धारा उस धारे का आलम बताओ के 20 बोझा 10 सीर और उसको भी कांख में दबा लिया बाली ने। एक दिन रावण वहां आया था बाली ने कांख दबाया कांख का ऐसा आलम है आप लोग पहले ही बोलोगे जब कांख का ऐसा आलम है तो आकार का आलम क्या और चोरी की कृष्ण
भगवान का ही ऐसा आलम है, भगवान का ऐसा आलम है। आज पाल को छोरा चोरी कर ला तो तुरंत समझो थाने गया और थाने से जेल गया, क्योंकि उसने चोरी की। भगवान का ही ऐसा आलम है तो संसार का आलम। तीसरी कहानी और हमने यही सीखा है जीवन में, क्योंकि हम रहते हैं मथुरा और वृंदावन में। रेत तो लाए कि बाबा बैठो में चश्मा बारो जाए यहाँ के लोग जरूर मार दियो नहीं नजर लग जाएगी सुबह सुबह। और मैं तो कह रहा हूँ गुरुजी जे लाली है थोड़ी सी चाय की प्याली है जाए आगे बढ़न दे हो तो अच्छो ही है, जाके लिए गलत भाषा मन से कहो ना गलत चीजें डालो, जब तुम ही ऐसो गाओगे तो फिर जेका करेगी। और सब एक भैया और बैठे जब मैं उसकी बात कर रहा था धन्यवाद की और आशीर्वाद की, वो बड़ा पॉइंट दे रहे थे उसको समझो को, लेकिन इस बात को भी आज सीख लेना, कभी भी देख लेना मेरे किसी से भी रसिया हो किसी से, और वही कलाकार माना जाता है, कलाकार वही माना जाता है जो मर्द से मर्द ही की बात बार और मर्द से मर्द लड़े, और जो जनानी के मुंह लग गया मैं उसको कलाकार नहीं मानता। शंभू को कभी देख लेना आकर के ले जाते छोरी तू का कह रही बाल छोरी तो काहे हो, जो मर्द होगा वो मर्दों से ही बात करेगा, जो जनानी होगी और दूसरी नस्ल का होगा वो जनानी से ही बात करेगा। ये बात कही तुमने पॉइंट की। और वीर का ऐसा आलम